आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, किसी क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर स्थल पर रिकॉर्ड की गई वर्षा की मात्रा 2 सेंटीमीटर क्षेत्र के हफ्ते है। ठीक है, यदि वर्षा की 20% मात्रा 100 मीटर × 20 मीटर आधार के तालाब में एकत्रित की जाए, जिसमें से 10% तो वो जमीन में रिस चुका है और 15% वाष्प में चला गया है, तो अब इसमें जो तालाब है उसमें जल का स्तर कितना ऊपर उठेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसका आयतन निकालते हैं जो बारिश हुई। तो आयतन के लिए हमें क्या याद करना होगा कि आयतन के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो क्षेत्र है उसमें वर्ग किलोमीटर, मतलब उसका एरिया या उसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर, ये तो उसका हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसमें ऊंचाई कितनी आ गई, जो पानी आपने भरा इसमें पानी कहाँ तक आ गया, 2 सेंटीमीटर तक इसका पानी आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको एक सिंगल हमारे आत्रा में निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर और उसकी पावर, उसकी घात 2 आ गई, इंटू यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर -2। ठीक है, और ये हो गया आपका कन्वर्ट किसमें, मीटर में। तो पूरा का पूरा आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 6, यहाँ पर आ गया मीटर की घात 2, ठीक है, गुणा यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आयतन आपके पास जो टोटल आया वो आ गया 2 × 10 की पावर 4 और मीटर का पावर 3 आ गया। ये टोटल आयतन आ गया हमारे पास बारिश की पानी का। इसमें सिर्फ कितना हम यहाँ पर एकत्रित करने वाले हैं, 20%। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, 20%, 2 × 10 की पावर 4 और इसका 20% आप निकालते हैं। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 1 शून्य से ये पावर रह जाएगी 3। तो ये हो गया आपके पास 4 × 10 की पावर 3, मतलब 4000 m³ आपके पास यहाँ पर अब पानी बचा है। ठीक है, इस पानी को आपको एकत्रित करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस क्या दे रखी हैं कि इसमें से कितना प्रतिशत, तो देखें क्वेश्चन में 10% तो वहां पर जमीन में चला जाएगा, तो 10% निकालें सबसे पहले, तो 4000 × 10/100। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास 400 m³। ठीक है, ऐसे ही 15% और निकालना है जो कि वाष्प बन जाता है, तो 4000 × 15/100 आप करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे पास। ठीक है, तो 15 × 0 = 0 हो गया, 15 × 4 हो गया आपके पास 60, तो 6600 m³ आपके पास ये हो गया। तो 4000 में से कितना तो हमारे पास यूटिलाइज नहीं हुआ, कितना काम नहीं आया, 1000, तो हमारे पास बचा 3000 m³ आपके पास जल बचा है। अब आपके पास इस जल को या इस पानी को जिसमें हमें स्टोर रखना है वो एरिया कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 100 × 20। ठीक है, तो ये 3000 m³, 3000 m³ बराबर होना चाहिए क्या हमारे पास, उसकी साइज दे रखी है 100 × 20, तो 100 × 20 और मीटर का स्क्वायर ये तो हमारे पास आ जाएगा और इससे अपन ऊंचाई निकाल लेंगे। तो इसका भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर हमारे पास h बराबर कितना आ गया, अब हमारे पास 3000, यहाँ पर भाग होगा किसका, 2000 का। ठीक है, क्योंकि 4000 में से 1000 तो चला ही गया, अब कितना बचा, 3000 बचा। अब उस 3000 में से आपको 2000 का भाग देना है, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, h बराबर आ गया आपके पास 3/2, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 m। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 1.5 m का ये जल स्तर ऊपर उठेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।